पानी की त्राही से परेशान लोगों ने ठेकेदार को रस्सी से बांधा। ग्राम पंचायत चुनजगा में पानी से परेशान लोगों ने संवेदक दिलीप दुबे को रस्सी से बांध दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी पंचायत में पीएचडी के द्वारा जल मीनार लगाया गया था, जिससे कि ग्रामीणों तक पानी पहुंच पाए, पर जल मीनार का बस स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया है। अभी तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। चुनजगा पंचायत के ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत ठेकेदार से करते आ रहे हैं, पर ठेकेदार उनकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बात पर आज दर्जन की संख्या में ग्रामीणों ने संवेदक दिलीप दुबे को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पीएचडी के एग्जीक्यूटिव मुकेश कुमार मंडल मौके पर पहुंचे व आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर यह आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ये टंकी एक लगा है, एक टंकी यहाँ लगा है, बगल में टंकी है, आगे भी तीन टंकी है और आगे 16 नंबर साव टोला हर जगह टंकी लगा। चुंचका में लगभग 20-25 टंकी तो हम देखे हैं, एक भी टंकी में पानी नहीं चढ़ता, एक भी टंकी। अपवाद में भी एक टंकी है कि पानी चढ़ता हुआ सब आते। कारण क्या हुआ? बोरिंग किया कम, पाइप भी दिया कम, मोटर लगा डुप्लीकेट, पाइप लाइनिंग जो किया ढंग से नहीं किया, पतला मोटा पाइप जैसे तैसे लगा दिया। एक जगह इतना भीषण गर्मी है, अभी यहाँ क्या दलित बस्ती है, एक भी घर में अपना पर्सनल फैसिलिटी नहीं है, सभी घर इसी टंकी पर आश्रित है। सरकार जल जल योजना लाया प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए कि गरीबों को पानी मिले, हर घर जल जल योजना। लेकिन एक भी टंकी सक्सेस नहीं। यहाँ के जो ठेकेदार है सिंह कंस्ट्रक्शन रंजन सिंह और यह दिलीप जी, ये दोनों मिल करके घोटाला किया। चुंचका में 1 करोड़ का घोटाला किया, एक करोड़ का घोटाला किया और एक भी टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा। और जब पूछा जाता है, कंप्लेन किया विभाग में, जय सर को भी, एक्सिक्यूटिव सर को भी, खुद कॉन्ट्रेक्टर को फोन करके बोला गया कि आइए यहाँ देखिए, 16 प्लेट लगभग 3 महीना हो गया, 3 महीने बाद आ जाएगा टंकी लगा प्लेट लगाने के लिए। जबकि बार 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 फोन किया गया, का संपर्क के साथ करके बोला गया कि टंकी को देखिए, इन लोग को कंपनी मिला 5 साल के लिए मेंटेनेंस के लिए, 5 दिन मेंटेनेंस ने किया, 5 दिन मेंटेनेंस ने किया। अरे 1 करोड़ का घोटाला मेरे नंबर से, 1 करोड़ का घोटाला कम से कम तो किया तो चुंचका में किया है ये लोग। मारामारी हो रहा है, डेली झोटा झोटी हो रहा है। ठेकेदार को बोले हम लोग तुमको पाइप और डाल दीजिए, बोला बाद में डालेंगे, बाद में डालेंगे। सोलर उड़ गया, वो भी कितना फोन किया, मतलब हाँ आज देंगे कल देंगे, देखिए यहाँ वाला सोलर उड़ गया, अभी तक ना परवाही मालूम कैसे किशोर बाबू फोन किया, आज कैसे कैसे आया है, डेली यहाँ मारपीट हो रहा है। नंबर में जल नल योजना के तरफ लगभग 7-8 वो टंकी लगाया गया है, लेकिन किसी में पानी नहीं चढ़ रहा। हम लोग सिंह कंस्ट्रक्शन के जो संवेदक है उसको रंजन सिंह और दिलीप दुबे दोनों को फोन से माध्यम से बोलते बोलते थक गए कि आकर के देखिए, पूरा त्राही माम है, पूरा गर्मी परेशान है सब, पूरा जनता, पानी नहीं चल रहा है, कहीं पानी नहीं चल रहा है, वो आते ही नहीं है। 3 महीने पहले यहाँ सोलर उड़ गया था, उनको भी बोले कि सोलर आकर लगा दीजिए, बोले हाँ आ रहे हैं, ऐबे नहीं करता, फोन भी नहीं उठाते। उसी क्रम में आज कितना दिन के बाद आए थे कुछ महिलाएं लोग, उनको बैठा दिए और बैठा करके बोले कि अब स्कूटी सब आएंगे, तब हम लोग आप उन्हीं से बात करें, स्कूटी सब आए, वही सब बातचीत हुआ, स्कूटी सब आश्वासन दिए कि कल हर हाल में जैसे भी होगा पानी के कैसे क्यों ना चढ़ रहा है, क्या कारण है, और देखेंगे और पानी चालू कराएंगे और हमारे जनता पानी। आज संवेदक को बांध के भी रखे थे कुछ लोग, पता चल रहा है? हाँ, वो थोड़ा सा रखे थे, गुस्सा पिता में ग्रामीणों हुआ था 4-5 मिनट के लिए, फिर स्कूटी साहब के कहने पर हम लोगों ने बात सर्च कर रखा। और किस कारण से बांध के रखें? वो 3 महीने से आने रहते हैं, उनको कहना है हम लोग को बराबर होते कि 5 साल की योजना जो है सो हम लोग देख रेख करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। 5 दिन भी नहीं पानी चला है, ग्रामीणों से भी आप लोग बाइक ले सुन सकते हैं कि 5 दिन भी चलाने के बाद 5 दिन भी पानी नहीं चला, और वो कहते हैं कि 5 साल हम चलाएंगे। तो उसमें आके देखना चाहिए, भीषण गरीब, बहुत परेशानी है, बहुत त्राही माम है जनता लोग, हम क्या करें। टेलीफोनिक हमको सूचना मिला कि जो संवेदक आदमी है उसको ग्रामीणों के द्वारा बांध लिया गया है, तो मेरे द्वारा मुखिया जी को कॉल किया गया, फिर मुखिया जी द्वारा बताया गया कि हाँ यहाँ पर 2-3 योजना जो है नहीं चल रहा है, सोलर उड़ गया था, सोलर लगाना है। तो उसी क्रम में भी मेरे द्वारा भी जांच किया गया 2 योजना को, योजना तो अभी दोनों बंद है। हम पुनः संवेदक को निर्देशित किए हैं कि कल आकर करके इसको अच्छे से देखें कि कहाँ पर क्या खराबी है, और कल इसको हम लोग मरम्मती का कार्य करा करके चालू करवाएँ। सर, भीषण गर्मी का समय है, लगातार सर गांव और जगह जगह से ऐसी परेशानियों को सूचना मिल रही है, सर इस पे क्या कहना चाहेंगे?
जहाँ से सूचना मिल रहा है अभी विभाग भी एक्टिव है, रिपेयर का काम भी हम लोग करवा रहे हैं, और जहाँ सूचना मिलने पर यथासंभव हमारे ऊपर हमारे यहाँ से जितना भी कोशिश किया जा रहा है कि चालू कर करके योजना को ग्रामीणों को पानी